Vinesh Phogat won a bronze at the World Championship, securing a place in the 2020 Olympics. The Haryana wrestler says that this will be a historic Olympic for the Indian wrestling contingent. And she also says that her qualification will inspire more young girls. Well, I'm joined by Vinesh Phogat, the World Championship bronze medal winning wrestler. She's also won her Olympic quota. Vinesh, Olympic quota mil gaya hai. Ab kya matlab taiyari abhi se shuru kar denge ab? Aage ka rasta kaisa hai aapke liye? Bilkul time kafi kam hai. To taiyari to 4 saal 3 saal se main continuously kar rahi hu wo 4 saal ke Olympics ke liye aur abhi quota mil gaya hai to ek relief mil gaya ki Olympics mein main jaungi to confirm ho gaya hai lekin us Olympics ke mat pe jaane ke liye jo taiyari karni hai wo abhi hum start kar denge. Humne dekha hai Rio mein aapko injury hua tha, uske baad kitna time laga tha ya fir kitni mehnat lagi thi us pe recovery hone ke liye dobara mat pe aane ke liye? इंजरी के बाद कम बैक करना वो तो हर एक एथलीट को पता है कितना डिफ़िकल्ट होता है, और उसी स्टेज पे उसी लेवल पे जाना तो वो कहीं ना कहीं एक भगवान का आशीर्वाद लगा लीजिए, लोगों का प्यार भी लगा लीजिए, जो मैं इतनी जल्दी मैट पे उसी मैट पे आ गई, मैंने जो कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कम बैक कर सकती हूँ, उसी ओलंपिक्स में मैं जा रही हूँ जो एक सपना ही था कि दोबारा जाऊँगी या नहीं जाऊँगी. तो विनेश, कुश्ती का यहाँ पे भारत में एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन रहा है, काफ़ी सारे लड़कियों ने अच्छा किया है, लेकिन आप पहला रेसलर है, पहली रेसलर है जिन्होंने क्वालिफाई किया है, तो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको देता है कि आपने पहला रेसलर है जो कि क्वालिफाई कर लिया है? जी, 2020 के लिए मैं पहली हूँ, लेकिन मेरे से पहले ओलंपिक्स में साक्षी का भी मेडल आ गया है, गीता भी ओलंपिक्स में गई थी, तो कहीं ना कहीं वो एक बूस्ट मिलेगा बाकी लड़कियों को कि विनेश का हो गया है मेडल के साथ में किया है, तो वो अभी काफ़ी लड़कियां हैं जो मुझे ज्वाइन करने वाली हैं, जो हम चाहते हैं कि हमारी टीम बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बन के जाए और हम जितने भी लोग जाएं ओलंपिक्स में हम मेडल लेके आएँ, क्योंकि ओलंपिक से बड़ा एक एथलीट के लिए कोई सपना नहीं होता और हर एक एथलीट उस सपने को जीतता है. रेसलिंग टीम के लिए कितनी बड़ी बात है कि 5 मेडल आया है वर्ल्ड चैम्पियनशिप से और 4 कोटा? अभी अब देखिए, पहला हमारा ओलंपिक क्वालिफिकेशन था, उसमें ही हमने 4 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया है, तो मुझे लगता है कि आज तक का हिस्ट्री रहेगा, हम रेसलिंग में जितने भी लोग जाएंगे तो हिस्ट्री बना के हम ओलंपिक्स में जाएंगे, और जितना स्ट्रॉन्ग टीम होगा तो मुझे लगता है कि एक स्ट्रॉन्ग टीम ही मेडल को कहीं ना कहीं एक बिल्ड करती है, तो हम चाहेंगे कि हम सब जितने लोग जा सकते हैं ओलंपिक्स में जाएँ, हर एक वेट में जाएँ हम तो चाहेंगे, और एक दूसरे को हम पूरा मोटिवेट करके और वो मेडल लेके आएँ ओलंपिक्स में.